प्रणाम महाराज, मैं आपका नया माली मणिदास हूँ। क्षमा करे, मेरे प्रभु के जयकारे से आपकी नींद खुल गई। हाँ, मेरे द्वारा प्रभु जगन्नाथ जी की प्रथम पूजा के समय से पहले उठा दिया तुमने। महाराज, आप भी प्रभु जगन्नाथ जी के भक्त हैं, तब तो उनके जयकारे से उठने पर क्रोध ना करें महाराज। महाराज, उचित है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु अब अन्य कोई भूल मत करना। जी महाराज। ये पुष्प मुझे सबसे प्रिय हैं। इन्हें एकत्र कर इन पुष्पों की माला बनाकर लाना। महान संत श्री स्वामी जी प्रवचन के लिए पधारने वाले हैं, तो मैं उन्हें पुष्पों की माला भेंट देना चाहता हूँ। कल तुम माला लेकर सीधे मंदिर आ जाना, और ध्यान रहे माला सुंदर होनी चाहिए, जिससे स्वामी जी आनंदित हो उठें। जी क्षमा करें महाराज, किंतु इतना महत्वपूर्ण कार्य इसे मत दीजिए। ये मेरी भूल थी कि मैंने समझा कि यह बदल गया है और मैंने इसे कार्य पर रख लिया, किंतु आज जो इसने किया है उसे देखकर तो लगता है कि यह बाबला कभी नहीं बदलेगा। नहीं नहीं महाराज, कोई भूल नहीं होगी। आप मुझे ये अवसर देकर देखिए, आपको निराश नहीं करूंगा मैं। फूलों की ऐसी माला बनाऊंगा कि कथावाचक स्वामी जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। सूर्योदय के साथ मेरी माला भी तैयार होगी। स्वामी, बड़ी सुंदर माला बनी है। स्वामी जी ही नहीं, महाराज भी इसे देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने कहा था ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और देखो, प्रभु जगन्नाथ मेरी सहायता कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने मुझे नया कार्य दिलाया, और अब मैंने इतनी सुंदर माला बनाई। महाराज मुझसे प्रसन्न होकर राजभवन के कार्य से मुझे दूर नहीं करेंगे। क्या हुआ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? जब भी आपको कोई अवसर मिलता है तो आप कहीं ना कहीं कोई चूक कर देते हैं, बस यही चिंता है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, विश्वास करो। अब मुझे जाना चाहिए। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। श्री हरि जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। जय प्रभु जगन्नाथ। कहाँ रह गया मणिदास माली, माला लेकर अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? स्वामी जी अब तो पधारने वाले हैं। क्षमा कीजिए महाराज, मैंने पहले सूचित किया था आपको कि मणिदास को कार्य सौंप कर उसके पूर्ण होने का विश्वास नहीं किया जा सकता। ये क्या कर रहे थे आप? स्मरण कीजिए कि ये माला आपको महाराज के पास सुरक्षित लेकर जानी है। देर हो रही है आपको, इस अफसर को नहीं खोएंगे, यही कहकर गए थे ना आप? आप फिर वही भूल कर रहे हैं। प्रभु पर मुझे भी विश्वास है, वो हमारे साथ है, उन्हीं की कृपा से हमें ये कार्य मिला है। इसलिए यदि आपसे भूल हुई तो वो प्रभु की कृपा को ठुकराने के समान तो होगा ही। इससे ये प्रमाणित भी हो जाएगा कि वो सत्य कह रहे हैं कि आप बावले हैं। इसलिए यदि भूल की समय पर माला नहीं पहुंचाई तो आप घर लौटकर मत आइएगा। जो अपनी धुन में सब कुछ भूल जाए, बावला बन जाए, उसके लिए मेरे घर के द्वार सदा के लिए बंद हो जाएंगे।
खड़े मत रहिए स्वामी, देर हो रही है आपको, जाइए आप, जल्दी जाइए। कितना भला बुरा सुनना पड़ रहा है आपके इस भक्त को आपकी भक्ति में। अब तो उसकी पत्नी ने भी उसे अंतिम चेतावनी दे दी। जब तक सोना अग्नि परीक्षा नहीं देता, तब तक वो कुंदन नहीं बनता। उसी प्रकार मेरे भक्त मणिदास को भी अग्नि परीक्षा में तपना ही होगा। स्वामी जी पधारेंगे तो हम उनका स्वागत कैसे करेंगे? मणिदास को उसकी भूल का बहुत कठोर दंड देना होगा हमें। महाराज, मणिदास आ गया। प्रणाम महाराज। इतना विलंब क्यों किया तुमने? और माला? वाह मणिदास, अति सुंदर, बहुत सुंदर माला है। तुमने तो मेरा मन प्रसन्न कर दिया। धन्यवाद। मैं तुम्हें यहां रुककर स्वामी जी का प्रवचन सुनने की अनुमति देता हूं। अब कोई भूल मत करना, क्योंकि यहां तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये प्रवचन स्वयं महाराज ने आयोजित किया है। यहां कुछ भी हुआ ना तो उनका अपमान होगा, इसलिए नियंत्रण में रहना और बावले मत बनना। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, सभी मुझे बावला समझते हैं। अब आप ही बताइए प्रभु, क्या आपकी भक्ति में वास्तव में बावला हो गया हूं मैं? भक्त मणिदास, शीघ्र ही तुम्हारी भक्ति इतनी परिपक्व होगी कि तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि वास्तव में बावला कौन है, तुम या वो जो तुम्हें बावला पुकारते हैं और समझते भी हैं। प्रणाम स्वामी जी। आयुष्मान, आपका स्वागत है। स्वामी जी की जय। 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 मंदिर प्रभु जगन्नाथ जी का है, किंतु सभी जयकारा स्वामी जी का कर रहे हैं और मुझे बावला कहते हैं। स्वामी जी की जय। स्वामी जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। इसलिए यदि आपसे भूल हुई तो वो प्रभु की कृपा को ठुकराने के समान तो होगा ही। इससे ये प्रमाणित भी हो जाएगा कि वो सत्य कह रहे हैं कि आप बावले हैं। आज की ये सभा प्रभु श्री जगन्नाथ जी की भक्ति पर विमर्श के लिए है। तो क्या है प्रभु भक्ति? एक अतुलनीय भाव, एक ऐसा परम पावन भाव जो एक शिला को भी भगवान बना देता है। अर्चकस्य प्रभावेण शिला भवति शंकर। इतना ही नहीं, भक्तानाम निर्वाच्यम ही चेष्टतम, अर्थात जो भक्ति भाव से भरा होता है उसके आचरण का वर्णन भी असंभव। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। मंदिर के बाहर फिकवा दो इसे। मैं समझ गया प्रभु, आपके भक्त को आपके मंदिर से बाहर फेंक दिया गया, तो ये इसी का प्रमाण है कि मैं वास्तव में बावला ही हूँ। मुझे स्वीकार है ये बावला पर, लोग चाहे जो भी कहें मुझे बावला, उन्मादी, धुनी, किंतु मैं आपका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा।
आपका जयकारा करना नहीं छोड़ूंगा। आपका मेरा मंदिर में आना स्वीकार नहीं तो ना सही, किंतु आप तो मेरे कण कण में हैं। जहां रहूंगा आपकी भक्ति करूंगा। इसलिए यदि भूल की समय पर मालम नहीं पहुंचाई तो आप घर लौटकर मत आइएगा। जो अपनी धुन में सब कुछ भूल जाए, बावला बन जाए, उसके लिए मेरे घर के द्वार सदा के लिए बंद हो जाएंगे। घर के द्वार भी बंद हो गए मेरे लिए। भगवान का घर हो या फिर मेरा, दोनों से बाहर रहना ही मेरे बावलेपन का दंड है। कोई समझे या ना समझे, मुझे लगा था आप तो समझेंगे प्रभु, क्योंकि यही तो मेरा भक्ति भाव है। शीघ्र सभी तुम्हारे भक्ति भाव को समझेंगे। सच्ची भक्ति वो धारा है जो बहती रहती है। भक्ति का भाव वो भाव है जो भक्त को भगवान से जोड़े रहता है, भक्ति स्थिर बनाती है। बहुत क्रोधित लग रहे हो कान्हा। किसी की सेवा भगवान की सेवा होती है, तो भक्त का अपमान भगवान का अपमान होता है। पर ये भक्ति भाव की व्याख्या कर रहे हैं। मेरे चित्त को तभी शांति मिलेगी जब मेरी भक्त की भक्ति को सम्मान मिलेगा। अरे ओ, क्या कर रहे हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। बावले हो गए हो तुम, अपनी धुन में आ गए तो मेरे फूल उड़ाकर हवा में नष्ट कर दोगे। जाओ यहाँ से। बावले, तुम्हारा यहाँ क्या काम? चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। सुस्ताना है तो घर जाकर सुस्ताओ ना। घर नहीं जा सकता, इसीलिए तो इधर उधर भटक रहा हूँ। हाँ हाँ, पता है ऐसी कारस्तानी का कि मंदिर से किस तरह से तुम्हें बाहर कर दिए गए हो, इसीलिए तो घर से भी बाहर निकाल दिए गए होंगे ना। जिस कारण से तुम्हें सब स्थानों से निकाला जा रहा है, वो काम तुम छोड़ क्यों नहीं देते? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका तो केवल एक ही कारण है, प्रभु के प्रति मेरी भक्ति। किंतु वो तो मेरे जीवन का भाग है, उसका तो त्याग नहीं कर सकता। प्रभु का नाम लेना तो नहीं छोड़ सकता। सुभद्रा, ये है अडिग्ति। एक ही भाव पर इसका जीवन टिका है, एक ही भाव का ज्ञान है इसे, इसकी भक्ति का भाव। और किसी भाव को नहीं पहचानता ये, सबने अपमान किया इसका, धिक्कारा, दुत्कारा, यहाँ तक कि इसकी अपनी पत्नी ने भी इसे अस्वीकार। सभी के सामने इसे मंदिर से निकाला गया, किंतु इसने मेरे नाम का साथ नहीं छोड़ा। यही अब मेरी सच्ची पूजा है, जो संसार अब इसके उदाहरण से सीखेगा। सब मुझे छोड़कर चले जाएं, किंतु मेरे प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़कर जाएंगे। मुझे मंदिर से निकाल दिया गया, किंतु प्रभु तो मेरे हृदय में, और वो सदैव वहीं रहेंगे। प्रभु तो मेरे मन मंदिर में।
यदि जीवन में कुछ है तो वो है प्रभु भक्ति। इससे ऊपर कुछ भी नहीं। जीवन में कुछ भी हो जाए, प्रभु की भक्ति का भाव तो मन में बना ही रहना चाहिए। भक्ति का भाव कभी नहीं त्यागना चाहिए, कभी नहीं। आज जैसे प्रकृति क्रुद्ध हो गई हो हमसे, हे प्रभु जगन्नाथ जी, आपके आंगन में ये क्या हो रहा है आज? राजन, 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 देखो मुझे और बताओ कि तुम ये क्या कर रहे हो राजन? ऐ दुस्साहसी बालक, महाराज से प्रश्न करने वाले तुम कौन हो? प्रश्न मैंने तुम्हारे महाराज से किया है, तुमसे नहीं। तो उत्तर भी उन्हीं को देने दो, क्योंकि दो लोगों के वार्तालाप में तीसरे का हस्तक्षेप तुम्हारे जैसे मंत्री को शोभा नहीं देता। ये क्या हो रहा है? मेरा पुत्र तो कुछ नहीं बोल पाता, उसके मुख से शब्द निकलते तो है परंतु तुतला कर, किंतु आज तो वो धारा प्रभा बोल रहा है। राजन, सुना नहीं तुमने? मैंने कुछ पूछा है आपसे। बालक, मंत्री जी, मैं वही कर रहा हूँ जो यहाँ हो रहा है। पूरी वासियों के लिए जिस प्रवचन का मैंने आयोजन करवाया था उसे सुनने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिससे सभी स्वामी जी के श्रीमुख से निकले शुभ शब्दों से भक्ति भाव का गहरा अर्थ समझ सके, उस भाव की महिमा जान सके। राम नाम मणि दीप धरू, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। अर्थात प्रभु के नाम का दीपक जिह्वा पर होना चाहिए, जिससे हृदय के भीतर और बाहर दोनों प्रकाशित रहे। किंतु आप ये कहाँ समझने वाले हैं? और यदि आप ही नहीं समझे तो प्रजा को क्या समझाएंगे? और ना ही भक्ति भाव पर प्रवचन देने वाले ये स्वामी जी। यदि यहाँ एक भी व्यक्ति भक्ति भाव को समझ पाता तो यह वो नहीं होता जो आज आपने किया है। मेरा एक भक्त यह भक्ति भाव में खोकर, भक्ति की सरिता में बहकर और भक्ति से ओतप्रोत होकर मेरे नाम का जाप कर रहा था और आपने उसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। इतना भी नहीं समझते? प्रभु का नाम जपना ही अपने आप में एक महान भक्ति है। प्रवचन का ज्ञान तभी सार्थक है जब किसी अन्य के भाव भक्ति का भी सम्मान हो। भक्ति भाव से मेरा नाम लिया जाना ही मेरा प्रवचन। मेरी कथा, मेरी पूजा की पूर्ण विधि है। मेरे मंदिर में भक्ति भाव की ही प्रधानता होनी चाहिए। और राजन, आपने उसी पावन भाव का तिरस्कार किया है। निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, क्षमा कर दीजिए। स्वामी जी, जी अभी आपने प्रवचन में कहा था सर्वप्रथम भक्ति भाव ही रहना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ भाव है तो बस भक्ति ही है। इसीलिए यदि भक्ति महत्वपूर्ण है तो भक्त भी महत्वपूर्ण होते हैं। वही भक्त
जिसे हमने धक्के मारकर बाहर कर दिया था। तब तो हमें शीघ्र जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए, उन्हें सम्मान देकर अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहिए। तो उन्हें ढूंढने मैं स्वयं जाऊंगा। प्रणाम महाराज। क्या तुमने मणिदास को देखा है? हाँ महाराज, उस ओर ही गया है वो। यहाँ बैठना चाहता था परंतु मैंने भगा दिया उसे। बावले हो गए हो तुम, अपनी धुन में आ गए तो मेरे खून उड़ाकर हवा में नष्ट कर दोगे। प्रणाम महाराज। मिष्ठान वाले, मणिदास को कहीं देखा है? महाराज, उनको तो मैंने भगा दिया यहाँ से। यही तो भूल हुई तुमसे, मणिदास जी भक्त हैं, बावले नहीं। ये बताओ किस दिशा में गए हैं वो? उस ओर महाराज। अरे अचानक ये चींटी और मक्खियां कहां से आ गईं? भले ही मेरी पूरी दुकान चट कर जाए, किंतु तुम यहाँ नहीं रहोगे। जाओ, भक्त का अपमान किया मैंने, इसीलिए प्रभु रुष्ट हुए हैं मुझसे। मुझे भी भक्त मणिदास को ढूंढकर क्षमा मांगनी चाहिए। मणिदास, मणिदास स्वामी, शीघ्र जल लेकर आओ। आपको क्या हो गया स्वामी? स्वामी उठ जाइए, स्वामी स्वामी उठ जाइए। हमें उठ जाइए। महाराज, आप यहां और अब ये क्या कर रहे हैं? मैं एक साधारण माली हूं, इतने सम्मान की योग्य नहीं। जिसकी सत्ता में जन्म का, रंग का, जाति का कोई भेद नहीं, जहां जो उनकी भक्ति के रंग में रंग जाए वो सब एक समान है। जब भक्ति ही आपकी पहचान है तो आपका सम्मान समस्त संसार करेगा। हम आपसे क्षमा मांगकर आपको मंदिर ले जाने आए हैं। महाराज, आपने अभी कहा जिसकी सत्ता सारे भेद सारे त्रास मिटा दे, वो तो एकमात्र प्रभु ही है। उनके भक्त के सामने नहीं, शीश झुकाना है तो प्रभु के सामने झुकाइए। भूमि, मैंने कहा था ना, प्रभु हमारे साथ हैं। भक्त मणिदास की जय। 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 नहीं नहीं, जयकारा करना है तो प्रभु जगन्नाथ की करो, उसी में आनंद है। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। 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 मैं ये घोषणा करता हूँ कि प्रभु जगन्नाथ जी की इच्छा से आज से मंदिर की नई प्रथा ये रहेगी कि यहाँ प्रभु की पूजा की कोई प्रथा नहीं रहेगी, ना कोई विशेष प्रणाली और ना ही कोई विधि विधान से बनेगी प्रभु की पूजा। जो भक्त भक्ति भाव लेकर प्रभु के मंदिर में आएगा, भक्ति भाव से उनकी पूजा करेगा, वही उनका पुण्य प्रसाद पाएगा। आप सभी को मेरा सुझाव ये भी है कि निर्मल भक्ति भाव से भरा भक्ति का पथ जो मणिदास ने हमें दिखाया है उसका पालन करें, भजन करें, प्रभु पूजन की जैसी प्रेरणा प्रभु दें वैसी ही पूजा करें। क्योंकि भक्ति भाव से प्रभु को मन में बसाओगे तो साक्षात उनके दर्शन पाओगे। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु श्री हरि नारायण की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। तो क्या आपको
साक्षात प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हाँ, उसके बाद मैंने अपने माता पिता को खोया और अपनी अर्धांगिनी को भी, किंतु प्रभु मेरे साथ। तो इतना बताने की कृपा कीजिए, कैसे दिखाई देते हैं मेरे प्रभु? प्रभु की छवि का वर्णन करना उतना ही कठिन जितना ये बताना कि सूर्य में ऊर्जा कितनी है। इसका अनुभव तो आप स्वयं कर सकते हैं जब प्रभु आपको दर्शन देंगे। वही तो बात है, मेरे प्रभु मुझे दर्शन देते ही नहीं, मेरा हाथ थामने आते ही नहीं। इच्छाओं से परे हैं वो, सीमित शक्तियों के स्वामी हैं जिन्होंने अद्भुत सुंदर विस्मयकारी संसार की रचना की है, जिसमें सूर्य चंद्र तारे सभी अपने स्थान पर स्थित हैं और गतिमान भी। उनसे कैसा हट, कैसा क्रोध? वो तो सर्वत्र सर्वज्ञ हैं, वो तो केवल सरल भक्ति भाव के भूखे हैं। भक्ति भाव से उनका पूजा और मनन कीजिए, फिर देखिए कैसे प्रभु दौड़े चले आएंगे आपको दर्शन देने। आइए प्रभु की पूजा करते हैं। श्री जगन्नाथ हरि की जय, प्रभु नारायण की जय, श्री जगन्नाथ हरि की जय, श्री जगन्नाथ हरि की जय, श्री प्रभु नारायण की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय, प्रभु हरि नारायण की जय। बस अब तो एक ही आस है कि कब मेरे प्रभु आएंगे मेरा हाथ थामने। चिंता मत करो भक्त माधवदास, प्रभु आपकी भक्ति के साक्षी हैं, उचित समय पर वो आएंगे और आपका हाथ थामेंगे। मैं प्रभु को साक्षी मानकर कहता हूँ कि जो मैंने कह दिया उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। यदि ये अपने वचन से मुकर भी गया तो भी प्रभु साक्षी बनकर सत्य बताने थोड़ी आएंगे। नहीं नहीं माधवदास, प्रभु आते हैं, स्वयं आते हैं। एक बार अपने भक्त के साक्षी बनकर आए थे, इसलिए तो उनको साक्षी गोपाल कहा जाता है। यही निकट में साक्षी गोपाल मंदिर भी है, वहाँ जाए बिना प्रभु के दर्शन किए बिना यात्रा को पूर्ण नहीं माना जाता। सत्य कह रहे आप, प्रभु स्वयं आए थे? प्रभु स्वयं आए थे द्वारका से अपने भक्त के साक्षी बनकर यहाँ पूरी नगरी में। साक्षी गोपाल गजानन? हाँ पुष्प दंत जी, पूरी क्षेत्र में स्थित साक्षी गोपाल मंदिर, भगवान गोपाल जहाँ अपने भक्त का मान रखने स्वयं साक्षी के रूप में आए। क्या है ये कहानी गणेश जी, कृपया मुझे बताइए। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, किंतु भक्त को भी अपने भगवान में अटूट आस्था और विश्वास रखना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।